जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहाँ पे आज एलयू के लिए अपडेट है, जो भी बच्चे बीटेक, बी फार्मा, एमसीए करना चाहते हैं वो खाली सीटों में यहाँ पे सीधे दाखिले हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन्स हो रहे हैं वो एलयू दे रहा है, जितनी भी खाली सीटें हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे आपको जो भी बच्चे बीटेक, बी फार्मा, एमसीए करना चाहते हैं, खाली सीटों पर लखनऊ विश्वविद्यालय जो है अभ्यर्थियों को सीधा दाखिला दे रहा है। इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि 24 अगस्त तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलयू जो है बीटेक, एमसीए कोर्सेज में भी लेटरल एंट्री होती है, उसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इसमें एलयू में आवेदन किए जा सकते हैं और 24 अगस्त तक लास्ट डेट है भरने की। प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को एलयू में नियंत्रक के नाम पर 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर 500 रुपये का आपका ड्राफ्ट लगेगा और 24 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि आपकी रहेगा। और यहाँ पे 500 रुपये का ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। साथ ही में 24 अगस्त तक अधिष्ठता अभियांत्रिकी व तकनीक संकाय, मतलब जो साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको जमा करना है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी, सूची जारी करी जाएगी, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म करा जाएगा कि हाँ ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आवेदन के लिए यहाँ होगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बीटेक प्रवेश के लिए आपको चाहिए होगा आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12th पास होना चाहिए, अनिवार्य है। एमसीए के लिए एडमिशन के लिए आपको सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक होने ही चाहिए, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। साथ ही में बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ ही बीएससी आईटी और डिग्री भी होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिग्री के थ्रू भी आप कर सकते हैं लेटरल एंट्री में। फिर इसके बाद यहाँ पे बी फार्मा के प्रवेश के लिए साइंस ग्रुप के 12वीं जो है परीक्षा पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आप एलिजिबल होंगे पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI स्ट्रीम में बीटेक कार्यक्रम संचालित है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मार्कशीट, MCA के लिए BCA या BSc की मार्कशीट अनिवार्य है। उसके बाद लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की मार्कशीट होनी चाहिए व सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण के लिए आपका जो जाति प्रमाण होना चाहिए वो 2024 के बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रति सेमेस्टर की फीस भी मेंशन हो रखी है। बीटेक की है आपकी 60,130 और एमसीए की है 56,130, बी फार्मा की है 60,130 रुपीज़। तो प्रथम सेमेस्टर के दाखिले लेने वाले छात्र का पंजीकरण शुल्क जो होता है ना आपका, वो भी पड़ेगा। साथ ही में आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो भी कॉशन मनी देनी पड़ेगी, जो कि 5,000 रुपये होगी। तो ये सारी चीजें जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक, बी फार्मा या एमसीए की, वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख लें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप और भी डिटेल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं एडमिशन, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मे बी वो फॉर्म फिल तो सभी बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जितनी भी सीट खाली है बेसिकली उस पे आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।